नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, पिछले सत्र में हमने एक मजेदार कहानी पढ़ी। कहानी में कितने पात्र थे? जी हाँ, बिल्कुल सही। कहानी तीन मित्रों की थी, हाथी, बकरी और चिड़िया। कहानी में वे तीनों साथी साथ साथ रहते व मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद भी करते। कहानी में हमने यह जाना कि सच्चा साथी वह है जो मुसीबत के समय साथ ना छोड़े। चलिए अब हम इस कहानी के आधार पर शब्दों का खेल खेलते हैं। तो बताइए कहानी का शीर्षक क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही, तीन साथी। इन शब्दों की ध्वनि पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तीन साथी। अब इन तीन साथियों के नाम लिखते हैं, याद तो अवश्य होगा आपको। बकरी, चिड़िया, हाथी। तो बच्चों, ध्यान दिया आपने? इन शब्दों में इ व ई स्वरों का प्रयोग किया गया है। इ को छोटी ई की मात्रा कहते हैं और यह है इसकी मात्रा और इसे अक्षर से पहले लगाया जाता है, जैसे च से पहले हमने लगाया इ, तो ये बन गया ची। इसी तरह यदि हम इसे म से पहले लगाते हैं तो यह बन जाएगा मी। आइए कुछ शब्द भी बनाएं, जैसे चिड़िया, ची, री, या। तो ध्यान दीजिए, शब्द बना ची, री, या, चिड़िया। ध्यान दीजिए, इ मात्रा को हम जल्दी बोलते हैं, लंबा नहीं खींचते। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द भी देखते हैं। बच्चों, साथी को मित्र भी कहते हैं। मित्र इ मात्रा वाला शब्द है। देखो, इ मात्रा म से पहले आई है और हमने लगाया त्र, शब्द बन गया मित्र, मित्र। इसी तरह आप भी कई अन्य शब्द इ मात्रा वाले बना सकते हैं। अब हम देखते हैं शब्द बकरी। ब क री, ब क री, बकरी। इसमें र के साथ ई यानी बड़ी ई की मात्रा लगी है। ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे लगती है और इसकी ध्वनि ई है जिसे लंबा खींचकर बोला जाता है। ऐसे ही अन्य शब्द हमने बनाया, हाथी, हाथी। चलिए अब इ और ई की मात्रा वाले कुछ अन्य शब्द भी देखते हैं। तितली। ध्यान दीजिए, ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें शब्द आया तितली और इसे हमने लगा दिया छोटी। आपने ध्यान दिया, इसमें छोटी ई व बड़ी ई दोनों मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। फिर से बोलकर देखिए, तितली। ऐसे ही शब्द है, ये किसका चित्र दिख रहा है आपको? कुदकुदती फुदकती गिलहरी, गिलहरी। इसमें भी दोनों मात्राओं का प्रयोग हो रहा है।
और ये डिब्बे में क्या पड़ा है? मिठाई, मिठाई। क्यों, सुनकर मुंह में पानी आ गया ना? आप भी ऐसे इ व ई मात्राओं वाले 10 अन्य शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें व पढ़ें। चलिए अब एक मजेदार खेल खेलते हैं। आपने टंग ट्विस्टर्स के बारे में सुना है, जिन्हें झटपट बोलना होता है, जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। आप इस टंग ट्विस्टर को झटपट 3 बार लगातार बोलने का प्रयास करना और ऐसे ही अन्य टंग ट्विस्टर्स को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बोलने का खेल भी खेल सकते हैं। देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। बच्चों, अब हम इस सत्र को और अधिक मनोरंजक बनाते हैं। आओ कुछ बनाएं और अपने इस अंगूठे की करामात दिखाएं। बच्चों, ये हैं कुछ चित्र जो अंगूठे की छाप से बने हैं। क्या आप इन आकृतियों को पहचान सकते हो? अरे वाह, आपने तो इन्हें झटपट पहचान लिया। देखो, यह है हाथी, कछुआ, चिड़िया, बिल्ली। ध्यान दिया आपने? इन शब्दों में इ व ई मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। आप भी अपने अंगूठे की छाप से मनपसंद चित्र बना सकते हैं। चलिए हम भी एक मजेदार चित्र बनाते हैं। ये मैंने रंगा अपना अंगूठा और इसे मैंने छाप दिया। अब कुछ कलाकारी भी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक चोंच बना दी। ध्यान दीजिए, यह एक चित्र किस रूप में बदल रहा है। अरे वाह, यह तो एक चिड़िया लग रही है जो कि दाना चुग रही है। याद आया आपको, चिड़िया शब्द छोटी ई की मात्रा का शब्द है। इसी तरह से आप भी कई अन्य आकृतियां बना सकते हैं और उनके नाम भी अवश्य लिखिएगा। चलो बच्चों, अब एक और मजेदार गतिविधि करें। यह देखो, ये कुछ अधूरे चित्र हैं और आप इनके आसपास लिखी गिनती को भी देख रहे होंगे। इस गिनती का यहाँ जरूर कोई महत्व है। चलिए गिनती को मिलान करके देखें। एक, एक के बाद क्या आता है बच्चों? दो, दो के बाद 3, फिर 4, अरे 5 तो नीचे चला गया। चलिए 5 तक पहुंचे, 5, फिर 6, उसके बाद फिर हम ऊपर गए 7 पर, अब हम आ गए 8, और 8 से 9 तो पहले ही मिला हुआ है। अब हम चलते हैं 9 से 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15। अरे वाह, यह तो एक प्यारी सी मछली का चित्र बन गया। आप इसमें अपनी पसंद के रंग भी भर सकते हैं। अब यह दूसरा चित्र आप स्वयं पूरा करके देखना।
और उसमें अपनी पसंद के रंग भी भरना। तो बच्चों, आज के सत्र में हमने कई मजेदार व ज्ञानवर्धक गतिविधियां करी। आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।